मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को चंडीगढ़ स्थित राजस्थान भवन में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित किया, जिसमें चंडीगढ़ प्रदेश अध्यक्ष संजय टंडन, सांसद किरण खेर, प्रदेश उपाध्यक्ष रामवीर भट्टी, चंडीगढ़ भाजपा प्रवक्ता एवं शहर के व्यापारी नेता शैलेंद्र जैन व अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता में शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि एनआरसी पर विपक्ष द्वारा फैलाए गए भ्रम को खत्म करने के लिए भाजपा के कार्यकर्ता देश भर में कस्बों, शहरों व गाँव में पहुंचकर एनआरसी के बारे में लोगों को जागरूक करेंगे। इस अवसर पर अर्थ प्रकाश मुख्य संवाददाता डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा ने चंडीगढ़ प्रदेश उपाध्यक्ष रामवीर भट्टी और चंडीगढ़ भाजपा प्रवक्ता एवं शहर के व्यापारी नेता शैलेंद्र जैन जी से बातचीत की। चलिए आपको दिखाते हैं मुख्य संवाददाता डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा की ये रिपोर्ट। अल्पसंख्यक चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो या ईसाई हो, भयानक अत्याचार किए गए, लाशों से भरी रेलगाड़ियां विभाजन के समय पाकिस्तान से आती थी। और आज ये तथ्य है कि आजादी के समय लगभग 23% पॉपुलेशन वहां अल्पसंख्यकों की थी। 2011 की जनगणना में ये घटके केवल 3% के आसपास रह गई और आज तो लोग बताते हैं 2% भी नहीं बची है। धार्मिक आधार पर वहां लोग प्रताड़ित किए गए, संपत्तियां जलाई गई और यहां तक कि बेटियों के साथ दुर्व्यवहार किया गया, अपहरण किया गया, जबरदस्ती उठाया गया, धर्मांतरण किए गए, आज तक खबरें आती हैं। अब अगर धार्मिक आधार पर ऐसे प्रताड़ित भाई और बहन जिनका वहां मान और सम्मान सुरक्षित नहीं है, इज्जत और जान सुरक्षित नहीं है और उनमें से अनेकों ऐसे हैं जो अपने सम्मान की रक्षा की खातिर भारत आए, वीजा लेके आए लेकिन उसके बाद लौटे नहीं, तो क्या महात्मा गांधी जी की भावनाओं के अनुरूप जब केंद्र सरकार ने, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने CAA नागरिकता संशोधन विधेयक को पास करके कानून बनाया, मैं सोनिया जी से पूछना चाहता हूं उसका विरोध क्यों? क्या उनको पाकिस्तान से आने वाले वो भाई और बहन जो धार्मिक प्रताड़ना के आधार पर, धार्मिक प्रताड़ना के शिकार होकर यहां आए हैं, उनकी तकलीफ नहीं दिखती? क्या उन्होंने दिल्ली के मजनू के टोले में जाके उन शरणार्थी जो बेबस हैं और जिनमें से बड़ी संख्या में दलित हैं, उनकी तकलीफ को कभी जानने का प्रयास किया है? अर्थ प्रकाश देख रहे हो तमाम भाई बहनों, डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाई बहनों, अब हम चंडीगढ़ में आज शिवराज चौहान जी यहां पर आ चुके हैं राजस्थान भवन में। हमारे बीच में चंडीगढ़ भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष राजवीर भट्टी जी बैठे हैं। भट्टी साहब, आपका स्वागत है। सबसे पहले अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है, उसके बारे में क्या कहोगे? सारे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहाँ जहाँ और केंद्र सरकार, तो श्रद्धेय अटल जी का जो जन्मदिवस है उसको सुशासन दिवस के रूप में आज मनाया जा रहा, तो सारे देश में, केंद्र सरकार और प्रदेशों में मनाया जा रहा, उसकी सबको हार्दिक शुभकामनाएं। और जैसे आप पता है आज वाजपेयी जी का जन्मदिन भी है, क्या आज चंडीगढ़ को प्रेसिडेंट का तोहफा मिल सकता है? ऐसा नहीं, ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है और इसकी जो रचना है इस हिसाब से, क्योंकि अकेला आदमी को निर्णय नहीं इसमें कर पाता है, ये परिवार की पार्टी है नहीं, ये लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, साथ में उनके सुनील ओझा जी राष्ट्रीय सचिव हैं पार्टी के, वो आए सब लोगों की राय जानकर करके दिल्ली में बता देंगे कि सारे कैसे कैसे किन किन लोगों के मत बन रहा। उसमें क्या आपकी भी उम्मीदवारी है? आप भी उपाध्यक्ष हो? उम्मीदवारी है।
उम्मीदवार। अच्छा एक बात और पूछना है, भट्टी साहब सीनियर लीडर हो, हमें आपसे एक बात पूछना चाहिए, क्या कारण है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ पिछले एक साल से नीचे गिरता जा रहा है, और हम अगर इलेक्शन देखें, इलेक्शन में सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर बीजेपी आ रही है, लेकिन वो जादुई आंकड़ा छूने में नाकामयाब रही है, इसके बारे में क्या कहोगे आप? ऐसा है, पिछली बार 252 सीटें थी सारे देश में, इस बार 303 सीटें आई लोकसभा में, तो वो आंकड़ा कहाँ से? विधानसभा की बात कर रहा हूँ। आप विधानसभा के जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं तो वहाँ के मुद्दे हैं, है कहीं थोड़ा बहुत तक है, थोड़ा बहुत ऐसी कोई बात नहीं, नहीं देश की जनता आज भी नरेंद्र मोदी जी को चाहती है, और पिछली बार 253 के बजाय इस बार 303 लोगों को यहाँ पर जिता कर लोकसभा में भेजा, वोट परसेंट भी अपना बढ़िया है, सांसद भी अपने बढ़े हैं, दलित जो सांसद हैं वो भी अपने बढ़े हैं, और देश की जनता से जो किसी से उम्मीद है तो नरेंद्र मोदी जी से हैं। आज दुनिया में हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का जो वर्चस्व और जो इज्जत और मान बढ़ा तो श्रद्धेय मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ा। तो भाइयों बहनों, ये हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट चंडीगढ़ के भट्टी साहब थे, राजवीर भट्टी साहब। भट्टी साहब का बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद जी। धन्यवाद। अर्थप्रकाश जैन, तमाम भाई बहनों, डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। आज हमारे बीच में कैलाशचंद जैन जी हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। आज वाजपेयी जी का जन्मदिन है, जैन साहब आप क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबसे पहले पूरे भारतवासियों को और विशेष तौर से चंडीगढ़ वासियों को श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनका आशीर्वाद जो हमें पहले मिलता रहा है, अब स्वर्ग से भी उनका आशीर्वाद हमारे को मिलता रहे। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनके द्वारा दिखाए गए मार्ग पर ये देश चले, और देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी विशेष तौर से उनके दिखाए गए मार्ग पर चलकर इस देश को तरक्की की और उन्नति की ओर लेकर जाए, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में कैलाशचंद जैन जी थे, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी। ताज़ा अपडेट्स के लिए अर्थप्रकाश टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें।